वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ्राई आलू। हमने इस तरह चिप्स की शक्ल में गोल गोल काट लिए और इसमें बना रहे हैं। कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पैन में भी और तवे पे भी। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, हरा लहसुन और ये चार हरी मिर्च लंबी लंबी, इसको काट के डाल देना है। और डाल देते हैं बस जैसे ये डालेंगे ना हरा लहसुन है, तो इसको आलू इसमें ऐड कर देंगे इस तरह। ये देखो गोल गोल चिप्स की तरह, इसको ज़्यादा नहीं भूनना। ये जल्दी बन जाती है, आप नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं, दोपहर में, शाम में जिसकी। और दो टमाटर, ये भी सब चीज़ें एक उसी वक्त डाल देनी है। और इस तरह से आधी आधा चम्मच सूखी मिर्च, तीसी मिर्च, आधी आधा चम्मच हल्दी और इस तरह नमक। ये देखो नमक ज़्यादा मत डालें, बाद में आप डाल सकते हैं। तो नमक का अगर आपको कम लगे तो बाद में आप डाल सकते हैं। इस तरह सब चीज़ें आप डाल के हल्की आंच पे इसको दम कर देना है। ये फ्राई आलू बन रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा बस, ये इस तरह, ताकि ये नरम हो जाए। इसको रख देंगे। ये देखें हम देख रहे हैं इसको किस शक्ल में आ गए हैं। ये देखिए इसको, ये है ना चिप्स टाइप, बहुत जल्दी बनते हैं। इसमें टमाटर, हरे मिर्च और हरा लहसुन, ये देखें अब ये तैयार हैं बिल्कुल। ये दो तीन मिनट में बन जाते हैं। हल्की आंच पे रखें, इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, थोड़ा सा। इसमें ऐड करें हरी धनिया, एक गट्ठी हरे धनिया की। बस ये हमारे आलू वाले चिप्स का सालन तैयार हो गया है। तो आप बनाएं, बहुत जल्दी बनते हैं, आसान और मज़ेदार होते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसको बनाएं इस डिश को, 3 मिनट में तैयार हो जाती है। इसको खाएं पराठे के साथ, रोटी के साथ, और बताएं कैसे लगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें डिश आउट कर रहे हैं।